7 मीटर ऊंचा भवन है। तो यहां पर हमारे पास दे रखा है टॉप ऑफ 7 मीटर बिल्डिंग, हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी दे रखी है 7 मीटर। तो हमें यहां पर लेना है एक बिल्डिंग और बिल्डिंग की जो हाइट है वो दे रखा है आपके 7 मीटर। तो ये रहा भाई आपके 7 मीटर हाइट का एक बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग की हाइट जो है वो कितना है 7 मीटर है। अब ये बोल रहा है कि इसके शिखर से केबल टावर का शिखर, तो यहां पर देखो हमें क्या करना है, केबल टावर लेना है, हमें यहां पर लेना है केबल टावर। ये ले लिया हमने, यहां पर केबल टावर ले लिया। अब ये बोल रहा है कि इसके शिखर से केबल टावर का शिखर से एक कोण बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है भाई आपके, वो बोल रहा है कि यहां पर इसके शिखर से उसका शिखर आपके यहां पर कोण बन रहा है कितना डिग्री, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये लिखा हुआ देख लो यहां पर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर 60 डिग्री। ये बोल रहा है कि इसके टॉप से केबल टावर का टॉप दोनों का जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रहा है कितना है 60 डिग्री है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन फुट में, यहीं से देखो ध्यान है ना भाई, यहीं से एंगल बन रहा है 60 और यहीं से फुट में एंगल बन रहा है कितना 45। यहां पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है अभी आपका 45 बन रहा है, वो भी बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ये वाला एंगल। अगर ये 45 ये भी कितना होगा 45, क्योंकि लाइंस आर पैरेलल, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। अगर ये आपका 7 है तो ये भी आपका 7 रहेगा, और ये आपका x है तो ये भी आपका x रहने वाला है, और ये हम h मान लेते, और यहां से हमारे पास 7 है। हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर, हमें क्या फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर, मतलब हमें ज्ञात करनी है टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो टावर की ऊंचाई आएगी h प्लस 7, हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर, हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर कितना आने वाला है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा आपको, मतलब के h प्लस 7, आपको h भी लेना है और 7 भी लेना है। पहले हम लेने वाले हैं ये ट्राइंगल, ट्राइंगल नाम दो पहले, तो क्या नाम आने वाला है, ए बी सी और यहां पर लेते हैं हम डी पॉइंट। पहले ले रहे हैं ये ट्राइंगल, इसका नाम क्या है ए बी सी। ये ध्यान रखना है 90 डिग्री का एंगल आना जरूरी है, तो हमें क्या करना है यहां पर लेना है फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल है भी आपका ए बी सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहां पर एक्स है, यहां पर आपके 7 है और ये आपका 45 डिग्री है। ये वाला गिवन है, ये वाला फाइंड करना है, परपेंडिकुलर और बेस के लिए क्या आता है 10 आता है, हमें यहां पर लेना है 10, कितना डिग्री है 45 डिग्री। 10 क्यों लिया, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड करना है, मतलब कि ए बी आपके गिवन है और BC आपको फाइंड करना है P upon B, तो 10 आएगा। अब देखो 10 45 का वैल्यू होता है 1, ये आपका है 7 और ये आपका X है। अगर मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो X का वैल्यू आपके आने वाला है 7 मीटर, और आपको मैंने काफी बार बता रखा है कि जब भी 45 डिग्री आता है तो हमेशा जितना ये होता है उतना ही ये होता है। अब हम आते हैं इस ट्राइंगल में, का नाम है ADE, तो मैं यहां पर ट्राइंगल ले रहा हूं ये वाला, इसका नाम है ADE, ये आपके दे रखा है 60, ये आपका x है और ये आपका h है, ये x है ये h, ऐसे x हमने फाइंड कर रखा है, बाद में वैल्यू पुट कर देना। अब ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का नाम क्या है, इसका नाम है आपके ADE,
फ्रॉम ट्राइंगल ए डी ई। इसमें देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, इसमें आता है 10 में, हमें यहां पर लेना है 10। पहले यहां पर था 45 डिग्री, अब यहां पर कितना है 60 डिग्री एंगल दे रखा है, 10 60। 10 क्यों लिया, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस के बारे में हमें लेना, तो ये है ए ई, ये है डी ई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 10 60 का वैल्यू कितना होता है आपके रूट थ्री, ये और ये एच और एक्स, ये है आपका एच और ये है आपका एक्स। अगर मैं यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, एच का वैल्यू है आपके अंडर रूट थ्री एक्स। अब देखो एक्स का वैल्यू ये रहा 7, वो हमें ये वाला वैल्यू यहां पर पुट करना है, एच का वैल्यू आने वाला है, एक्स का मतलब 7 है और रूट थ्री का रूट थ्री मीटर, एच का वैल्यू आ जाएगा 7 रूट थ्री, जहां एक्स है ना वहां 7 लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो, 7 रूट थ्री आ जाएगा। अब हम आते हैं यहां पर हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है, एच का वैल्यू कितना आया है 7 अंडर रूट थ्री प्लस 7, 7 आया है आपके कॉमन, इधर बचा है आपके रूट थ्री, इधर डिवाइड जाएगा आपके 1 टाइम, ये आने वाला। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हाफ वैली के लिए, ये हाफ वैली में कई बार एग्जाम में आ चुका है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका मेन जो है वो डायग्राम, अगर आपको डायग्राम आता है ना तो कई अटकने वाले नहीं, आप आराम से फाइंड कर सकते हो, ये डायग्राम का ही मेन खेल है, अच्छे से आपको आना चाहिए।